subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज लाइव। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी ने 195 कैंडिडेट को चुनावी मैदान में उतार दिया है, लेकिन कुछ दिग्गज नेता हैं जिन पर अभी भी कैंची जो है वो मंडरा रही है और कब उनका पता कट जाए वो पता नहीं। उत्तर प्रदेश के वो कौन से दिग्गज नेता हैं जिनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी टिकटों के ऊपर कैंची चला सकती है, इसकी पूरी जानकारी आपको बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने शनिवार को अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी। पहली लिस्ट में 16 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेश के अलावा 195 उम्मीदवारों का नाम ऐलान किया, जिसमें भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और मंत्री स्मृति ईरानी जैसे दिग्गजों का नाम है। वहीं इस लिस्ट में 3 दर्जन से भी ज्यादा मौजूदा सांसदों का टिकट काटकर उनके स्थान पर नए चेहरे को टिकट दिया गया है। लेकिन इसके अलावा बीजेपी ने उन सीटों पर भी उम्मीदवार घोषित किया है जहां सबकी नजरें थी। इनमें से वरुण गांधी को पीलीभीत सीट से, मेनका गांधी की सुल्तानपुर सीट, ब्रजभूषण शरण सिंह की कैसरगंज, स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संगमित्रा मौर्य की बदायूं सीट और जनरल बीके सिंह की गाजियाबाद भी सीट शामिल है। ऐसे में अटकलों का बाजार भी गर्म है कि क्या वरुण गांधी और मेनका गांधी को बीजेपी इस बार टिकट देगी या नहीं। अपनी ही पार्टी के खिलाफ बगावत तेवर दिखाने वाले वरुण गांधी पिछले कुछ दिनों से नरम मिजाज दिखा रहे हैं और अब वह पार्टी के कार्यक्रमों से संबंधित पोस्ट और रिपोस्ट करते नजर आए हैं। ऐसे में कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि जिस चेहरों की मैंने बात की, जिसमें वरुण गांधी की बात कर लें, ब्रजभूषण शरण सिंह की बात कर ले, वरुण गांधी की मां मेनका गांधी की बात कर ले, उन तमाम नेताओं का क्या होता है, क्या भारतीय जनता पार्टी इनकी टिकट काटती है या फिर इन पर एक बार फिर से भरोसा जताती है, ये बेहद देखना दिलचस्प होने वाला है। बाकी आप क्या कहते हैं इस पर कमेंट बॉक्स में बताइए। धन्यवाद।